बुड्ढो तुम शराब पी कर आए हो? अरे इतना सब रस्म रीति रिवाज बाकी और तुम शराब पियो? फाड़ में गए तुमरे रीति रिवाज, साले चबाएंगे का इनको हम? चुप लुच्चा लफंगा, तमाशा कर रखे। अरे हमरी रुंझुन ने आज तुमरे खातिर चूल्हा छूने रस्म की है, खाना बनाई है और तुम आके यहाँ ये सब कर रहा हो? अरे साला हमको तो पता ही नहीं था तुमने खाना बनाया हमरे लिए। साला बहुत मेहनत किया होगा ना? तो साला इस मेहनत का इनाम तो देना पड़ेगा भैया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? भले बुरे की समझ नहीं है ये तो हम जानते थे, लेकिन इंसानियत भी नहीं है? अरे तुम कर्म दास नहीं, कर्म नास हो। महादेवी टाइम है, पब्लिक लिखो पर जाओ, जल्दी जाओ, हम कहते हैं जाओ यहाँ से। अबे साले फिर अच्छा बुरा, फिर साले अच्छा बुरा, फिर अच्छा बुरा। पहले ही साला लेक्चर सुन सुन के साला सर दर्द हो गया। वाह साला वो दीनानाथ शुक्ला लेक्चर दे रहा था यहाँ पे। अब कोई लेक्चर नहीं, हम बोलेंगे तुम और ये सब सुनेंगे। क्या पूछ रहे थे तुम कि हम पी के कहाँ आए? तुमरा कबूत है ना वो, ये और ये साला इनकी वजह से हम पी के आए। साला उसके जिम्मेदार तुम रहे, ये साले तीन कपूत है। बहुत हो गया शराब, बहुत सर दर्द हो गया। अब एक काम करते हैं, खत्म कर देते हैं साला। साला किस्सा ही खत्म। अब तुम बताओ साला कहां से शुरू करें? एक काम करते हैं, तुम्हारे बड़े कपूत से शुरू करते हैं। विष्णु पांडे,
साले छचंदर। साला सारी जिंदगी बीवी के पल्लू में रह, बिल्लो के भौंपू। सारा दिमाग है कि काम ही नहीं कर रहा है। सारा मूल समस्या को कैसे भूल सकते हैं? मूल समस्या तो हमारे सामने खड़ी है। रुंझुन शुक्ला, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बनावटी, सारा मनहूस हो तुम हमारे लिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारी अम्मा मौत से झुलस रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक काम करते हैं, सारा किस्सा खत्म कर देते हैं आज। आज के बाद गुड्डू शुक्ला का कोई बुरा नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। देखा पांडे जी, अपनी भागवाली के भाग का प्रभाव। मैं कहता हूँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, चलो चुपचाप यहाँ से निकल चलते, चलो चलो चलो। चलो इन्हें, इनके सर के पीछे हमने एक छोटा सा घाव देखा है, शायद गिरने की वजह से लग गया होगा। ये दवाई लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा।
रंजन जी, भैया ने आपके माथे पे बंदूक रख दी और इसके बाद भी आप ये सब कर रही हैं। उसी माथे पर इन्होंने सिंदूर भी तो लगाया ना कुक्कन। अच्छा हम चलते हैं, क्लब में ही रहेंगे, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। पर हाँ, वो बंदूक हमने अपने पास रख ली है, अब परेशान मत होइएगा। गुड्डू तुम्हें बिल्कुल भी मत सोचना कि हमें तुम पे दया आ गई है या हम तुमसे डर गए हैं। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं किसी भावनाओं में आकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस रिश्ते की लाज रखने के लिए कर रहे हैं। एक पति के लिए पत्नी का कर्तव्य निभा रहे हैं बस। लेकिन तुमने जो हमारे साथ किया उसकी नफरत हमारे दिल में हमेशा रहेगी। हमें इतनी बड़ी गलती कैसे करती है? जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में अपनी बिटिया की जिंदगी हम बर्बाद कर दी। हे भगवान, क्या करें? अरे हम काहे ऐसा सोच लिए कि गुड्डू शुक्ला वाल्मीकि के जैसे मरा मरा कहते कबते राम कहिए। अरे वो तो रावण है रावण। हमने सीता जैसी बिटिया के साथ उसका मेल ना ही हो सकत, लेकिन लेकिन ये भूल का भूल का प्रायश्चित हम खुद ही करिए। हमें रुंझन को मजबूर किए रहना रिश्ता निभाने के वास्ते अब हमका ये रिश्ता तोड़े के पड़ी। आए पांडे जी, आप पी लियो, शीतल जल पी लियो। अरे पानी पीने से सब ठीक हो जाता ना तो मैं आज रात में ही गंगा जी का सारा जल पी जाता। अरे आज तो मैं उस रुंझुन के भाग से बच गया, नहीं तो अभी तक तो मैं स्वर्ग सिधार गया होता। अरे सोचो, आज मुझे कुछ हो जाता ना तो मैं उस दीवार पे फोटो टंगी होती मेरी। फोटो होती तो का फर्क पड़ता? अरे फर्क तो रुंझुन की वजह से पड़ता ना। काहे रुंझु भाई साहब, स्वार्थी है आप, हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं। अरे जरा ये सोचो कि रुंझुन को गोली लग जाती तो क्या होता? अरे भागो वाली मर जाती, और भागो वाली मर जाती तो हम सबका भाग भी तो मर जाता, और भाग मर जाता तो हम सब गरीब हो जाते, और अगर हम सब गरीब हो जाते तो हमें हमारे गहने बेचने पड़ते ना बंटू जी। भैया आप बहुत स्वार्थी है। अबे हीरोइन ना, भागो वाली नहीं, अब भागो वाली है, अब भागो वाली। जरा सोचो, अगर ये हीरोइन भागो वाली होती तो हम लगन को काहे इतना दुख झेलो को पड़त। अबे वो तो खुद अपने लिए भी ना अभागो वाली है, तभी तो देखो दुख पे दुख भोगे पड़ी है। आया बिल्लो कजन वाली, हम तो कह रहे हैं कि कहीं वो बोझा रानी अरे दूसर के लिए भागो वाली हो, अपने खुद के लिए ना ही। हमरा तो अब दिमाग काम करे बंद कर दिया है। अबे हम तो कह रहे ना कि वो सब किया धरा ना वो बुढ़िया अम्मा का है। जरा तुम लोग सोचो ना, वो हीरोइन की शादी की रट लगावत ना, वो गुडवाई घर में आत, और ना ही ना हम लोगों का जीना हराम होत। तुम सही कह रहे हो, वो बुढ़िया ना वे दिन मर गई होत ना तो सारा बवाल खत्म हो गया। बिल्कुल सही कह रही है बिट्टू जी, ये सब ना उस बुढ़िया अम्मा की वजह से हो रहा है।
सब मरेगी वो बुढ़िया। चुप हो जाओ बिल्लो भाभी। अरे क्या चुप? क्या चुप चुप कर रहे हैं? अबे देखा दो चार हाथ। चुप। माँ खड़ी है। अबे अम्मा खड़ी हो गई ना? तो क्या हो गया? तब गलत कर रहे कहाँ? अरे हम काहे डरे? आई है कसन वाली बिल्लो। ये तो अम्मा और उनकी प्यारी नातिन रुंझुन के वजह से ना हम लोग आज मौत के मुंह के सामने आए के खड़े हो गए। जब हम लोग रिश्ता लेकर आए रहे तो अम्मा कही रही कि अरे लड़का तो ऐसा है वैसा है 50 को दोस्त निकाले रही। अब क्या हुआ? अब तो अम्मा खुद आई वो गुंडा हथियारा गुड्डू शुक्ला के हाथे वो अपनी रुंझुन प्यारी बिटिया का ब्याह करा दिया, गठबंधन जोड़ दिया। अम्मा बहुत अच्छा कर रही हो, अपनी रुंझुन बिटिया को जबरन नरक में धकेल दिया ना, अब तो खुश हो गई ना आप। तो अरे माँ होती है जो अपने बच्चों की खुशी देखना चाहती है, लेकिन ये हमारी अम्मा है जो अपने बच्चों को सिर्फ दुखी देना चाहती है। ना सब सुनने के बावजूद अम्मा कुछ बोली नहीं। अरे वही तो मैं भी कह रहा था, आज मेरी अम्मा बोल क्यों नहीं रही कुछ। अरे मैं कहता हूँ अम्मा ऐसे चुपचाप तो कभी नहीं जाती, जरूर मेरी अम्मा को तुम लोगों की कोई ना कोई बात चुभी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई मेरी अम्मा के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। हम यहाँ नहीं रुक सकते। पानी, 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 पानी। हमरे